10 से 12 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में रिसेंटली कई 5G फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, जिनकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा फोन बेस्ट होगा जो इस प्राइस में वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर्स प्रोवाइड करवाता हो। तो ये है अभी अभी मोटो की तरफ से लॉन्च किया गया मोटो G34 5G, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं मेरे 5 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड की। इसमें लेदर बैग डिजाइन मिलता है जो इस प्राइस में मुझे काफी पसंद आया। सॉफ्ट टच और टेक्सचर के साथ जब आप इसे हाथ में पकड़ोगे तो अच्छा फील होगा। वेट भी इसका ज्यादा नहीं होने के कारण होल्ड करने में कंफर्टेबल रहता है और पतला भी फील होता है। बैक साइड में लेदर डिजाइन, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल के साथ हेडफोन जैक भी मिलता है। ऊपर की तरफ डॉल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग और साइड में सिम कार्ड ट्रे, जिसमें एक एसडी कार्ड और एक सिम या 2 सिम लगा सकते हैं। अब डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें एचडी प्लस पंच होल वाली 120Hz की डिस्प्ले मिलती है जो पांडा ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आती है। डिस्प्ले क्वालिटी की अगर बात करें तो ओवरऑल कलर्स अच्छे प्रोड्यूस करती है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आउटडोर में जाने पर 580 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है जो हार्श लाइट में थोड़ा कम विजिबल होती है, लेकिन इंडोर में कोई दिक्कत नहीं आती है। 120Hz के कारण डिस्प्ले स्मूथ लगती है और टच रेस्पॉन्स भी अच्छा है। स्पीकर्स की बात करें तो ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, तो लाउडनेस अच्छी है और वोकल्स भी क्लियर सुनाई देते हैं। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है। एक मेजर अपडेट के साथ 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाले हैं। ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग भी काफी स्मूथ होती है, इसके साथ ही सिक्योर फोल्डर जैसे भी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। 10,000 में आई थिंक इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कोई भी फोन प्रोवाइड नहीं करवाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर, LPDDR4X रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज मिल रही है, जो कि इसके डेली लाइफ यूज और ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। ऑलमोस्ट सारी एप्स बैकग्राउंड में रैम में रहती हैं, तो रैम मैनेजमेंट भी इसका काफी अच्छा मिलता है और ये ठीक ठाक गेमिंग भी करा देता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसके कैमराज की बात करें तो बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलता है, जिससे डिसेंट फोटोज ले सकते हैं। कलर थोड़े से बूस्ट होकर निकलते हैं, बाकी इमेज क्वालिटी अच्छी आ जाती है। पोर्ट्रेट शॉट्स में कई बार एजेस डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही रात में भी अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है, जिनमें डिटेल्स के साथ साथ कलर भी बैलेंस होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप इससे वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो 1080p 30fps पे स्टेबल वीडियोस ले लेता है, जो कि काफी सही है इस प्राइस में। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो दिनों रात में ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है। थोड़ी और शार्पनेस वाली पिक्चर्स आती हैं, लाइट कंट्रोल कलर सब ऑन पॉइंट मिलते हैं। सेल्फी कैमरा से वीडियो बनाते टाइम भी 1080p 30fps का सपोर्ट मिलता है, जो भी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है। इसके साथ और कई कैमरा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे डुअल कैप्चर, स्पोर्ट कलर वगैरह। नेटवर्क की अगर बात करें तो 13 5G के बैंड मिल जाते हैं जो अच्छे से 5G कवरेज दे रहे हैं। डुअल माइक होने के कारण कॉल क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। इसके बाद अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh बैटरी 20W के चार्जर जो कि बॉक्स में ही मिलता है। इसका बैटरी बैकअप आपको इम्प्रेस करने वाला है, 5G नेटवर्क के साथ 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। आइडल बैटरी ड्रेन भी नहीं मिलता है, 4 से 5% ड्रेन ही मिलता है, वो भी 5G नेटवर्क पर। तो इसकी बैटरी लाइफ आपको इम्प्रेस करने वाली है। तो अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो ये है इसके कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स, इनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फोन आपके लिए है या नहीं। मेरे हिसाब से इस प्राइस में इससे बेस्ट ऑप्शन इस टाइम कोई नहीं मिलता है।